Come on, get out of it. Let's go. दोस्तों, अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा वफादार जानवर की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है, क्योंकि कुत्ते अपने मालिक के प्रति काफ़ी वफादार होते हैं। यहाँ तक कि कई बार ये अपने मालिक के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, और साथ ही साथ कई बार ये खतरा महसूस होने पर किसी की जान भी ले सकते हैं। आपको बता दे, दुनिया में इस वक्त कुत्तों की 300 से भी अधिक नस्लें पाई जाती है, और आज हम बात करेंगे दुनिया में पाई जाने वाली 5 ऐसी डॉग ब्रीड्स के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है। यहाँ तक कि दुनिया के कई देशों ने इन डॉग्स पर प्रतिबंध लगा रखा है। नंबर 5, केन कोर्सो। फिल्मों में आपने ये डायलॉग अक्सर सुना होगा कि कुत्ते चाहे कितने भी हो, शेर का शिकार नहीं कर सकते। लेकिन ये बात केन कोर्सो के ऊपर लागू नहीं होता है। इटली का रहने वाला ये डॉग दिखने में शैतान का भी बाप लगता है। दरअसल केन का मतलब है कुत्ता, और लैटिन भाषा में कोर्सो का मतलब है सुरक्षा करने वाला या प्रोटेक्टर। आपको बता दे कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के पांडर कावड़ा इलाके में जब एक्टिवन नाम के मादा बाघिन जब वहाँ रहने वाले लोगों और जानवरों का शिकार करने लगी, और लाखों प्रयास के बाद भी जब उस बाघिन को पकड़ा नहीं जा सका, तब वहां पर उस बाघिन के शिकार के लिए केन कोर्सो प्रजाति के 2 कुत्तों को लगाया गया था। नंबर 4, जर्मन शेफर्ड। इस डॉग ब्रीड का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? जी हाँ, पुलिस वाला कुत्ता। इंडिया में यह डॉग इसी नाम से ज़्यादा फेमस है। आपको बता दे, ये डॉग अपने मास्टर के प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादार होते हैं। इन्हें दुनिया के हर कोने में पाला जाता है, और अगर इन्हें पालतू न बनाया जाए तो ये डॉग काफ़ी ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं, और अगर इन्हें किसी से ख़तरा महसूस हो तो ये उस पर हमला करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। इन डॉग्स का वेट 40 किलोग्राम और हाइट 65 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो क्या आप भी जर्मन शेफर्ड प्रजाति के कुत्ते को अपने घर में पालना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 3, डॉबरमैन। दोस्तों, अगर आप डॉबरमैन के आसपास है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डॉग सिर्फ अपने ऑनर के प्रति वफादार होते हैं, और किसी अन्य से खतरा महसूस होने पर ये तुरंत उस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि ये डॉग बहुत वफादार होते हैं। इसलिए इन्हें कई जगहों पर गार्ड के रूप में भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ये डॉग्स ब्रीड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और फुर्तीले होते हैं। इन डॉग्स का वजन काफ़ी कम होता है, और इसी कारण ये काफ़ी तेज़ी से दौड़ पाते हैं। ट्रेवल के दौरान इसे कहीं ले जाने से पहले आपको विशेष तरह के इंतजाम करने होते हैं, और यहाँ तक कि कई देशों ने इन डॉग पर बैन भी लगा रखा है। नंबर 2, डॉगो अर्जेंटिनो। देखिए इस डॉग को, ये डॉग कितना ज़्यादा आक्रामक और ख़तरनाक है, और अपनी इसी हरकतों के कारण ये डॉग यूके और साथ ही आसपास के कई देशों में पूरी तरीके से बैन है। ये एक शिकारी डॉग है, और पुराने ज़माने में इन कुत्तों को शिकार करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था, और अपने मनोरंजन के लिए इन कुत्तों को आपस में लड़ाया भी जाता था। डॉगो अर्जेंटिनो, ये डॉग स्वभाव से ही इतना ज़्यादा खतरनाक और आक्रामक होते हैं, इन्हें पालतू बनाना बहुत मुश्किल होता है। आपको बता दे, ये डॉग इतना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि पुराने ज़माने में ये 5 मिलकर एक शेर तक का शिकार कर लिया करते थे। इनका वेट 45 किलोग्राम और हाइट 70 सेंटीमीटर तक होती है। नंबर 1,
पिटबुल अमेरिका जैसे देशों में इंसानों की सबसे ज़्यादा जान लेने वाला ये डॉग पिटबुल दुनिया का सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड है। पुराने ज़माने में इसे पीठ पर उतार कर लड़ाई कराई जाती थी और इसी कारण इसका नाम पिटबुल रखा गया। ये डॉग शिकार के लिए बहुत ज़्यादा सही होते हैं, इसलिए इन्हें पालना कोई आसान काम नहीं है। इस प्रजाति के डॉग्स के कारण अमेरिका में लगभग 300 से भी अधिक लोगों की जानें जा चुकी है और देखा जाए तो ये किसी भी डॉग ब्रीड से कहीं ज़्यादा है। इनका वजन लगभग 30 किलोग्राम और इनकी हाइट 50 सेंटीमीटर तक होती है। अब आप कहेंगे कि इनकी हाइट और वेट बाकी की डॉग्स की तुलना में काफ़ी कम है, तो मैं आपको बता दूं इससे कम खतरनाक नहीं हो जाता। यहां तक तो अमेरिका में इस डॉग को पालतू बनाने के लिए मना किया गया है और यूके समेत कई देशों ने इस पर बैन भी लगा रखा है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 5 आक्रामक और खूंखार डॉग्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में लिखिए पार्ट 2। और दोस्तों इस प्रकार की वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर अनुग्रह करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाली बेल आइकन को ऑल पर कर दे। धन्यवाद।